ये बात सही है कि पटाखों से प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। ये बात भी सही है कि होली के जो सस्ते रंग हैं उनसे त्वचा को नुकसान पहुंचता है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ये बात सही है कि त्योहारों और परंपराओं के नाम पर हमें गलत चीजों को नहीं अपनाना चाहिए, और अगर गलत चीजें आ गई हैं तो उन्हें बाहर करने की कोशिश होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं समझ में आता कि अगर पटाखों से प्रदूषण होता है तो ऐसे पटाखे जो ध्वनि प्रदूषण न करें, वायु प्रदूषण न करें, बल्कि ऐसे पटाखे बने जिनसे निकालने वाले पदार्थ वातावरण को और बेहतर बना सकें, ये नवाचार, ये शोध कौन करेगा? क्या सारी परंपराओं और त्योहारों के हल सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, या जनता, समाज, उद्यमी और सरकार मिलकर कोई ऐसा नवाचार ला सकते हैं जिससे त्योहारों की रंगत, त्योहारों का उत्साह, त्योहारों का उल्लास खत्म न हो बल्कि बढ़े, और उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकें? जो प्रदूषण होता है हवा में वो पटाखों से होने वाला बहुत कम है। डीजल के वाहन और कारखानों से निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। बात दिल्ली से चली है और दिल्ली सबसे ज्यादा परेशान होती है उस पराली के जलने से जो खेतों को जलाने से वातावरण में, फिजाओं में जहर घोलती है और दिल्ली के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। हमें अगर हल करना ही है तो सांकेतिक नहीं, पूर्ण हल करना होगा, और ऐसा हल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, समाज से ही आ सकता है, व्यवस्था से आ सकता है, नवाचार से आ सकता है। जरा सोचिए।